पानीपत तहसील कैंप क्षेत्र में फतेहपुर चौक पर रविवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने एक औरत पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में कविता नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जब युवक चाकू से हमले पर हमला कर रहा था तो क्षेत्र के लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। इसी बीच गौरक्षा दल के सदस्य व एडवोकेट डीके पंडित वहां से गुजर रहे थे। वारदात में घायल महिला को रक्षा दल के सदस्यों ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल पर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आरोपी को काबू कर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दोषी की पत्नी का कहना है कि मृतिका उसकी जेठानी लगती थी और ससुराल से अलग भी रहती थी और दोनों के पति वैश्यावृत्ति का धंधा चलाते हैं। एक लड़का यहाँ एक लेडीज थी जिसको वो अपनी भाभी को बता रहा था, उसने उस लेडीज को चाकू मारे। जैसे हम यहाँ खड़े थे मैंने उसको देखा चाकू मारते, अपने गले में चेस्ट में उसके चाकू मारे हैं। वो लेडीज यहाँ गिरी हुई थी और वो चाकू मार के भाग गए। भाजते भाजते मैंने उसको गले से भागा। पीछे तीन चार और साथी मेरे भाग रहे थे। भाजते जैसे गले में टर्न करा हमने उसको पीछा किया 1.5 किलोमीटर तक, तो वो एक अनजान मकान में घुस गया। उस मकान में से फिर उसको निकाल लिया वहाँ से निकाल के फिर वो उसको पुलिस चौकी छोड़ के आया हूँ। पुलिस उसके आगे जो भी कार्रवाई होगी, पुलिस को चाकू बरामद करवा दिया है, मौका दिखा दिया है और पुलिस को उसको सौंप दिया। बाकी जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी उस पुलिस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डीके पंडित है। बोला था ये सूचना मिली थी पुलिस को कि वही वहाँ फतेहपुरी चौक पर एक आदमी ने एक औरत का चाकू मार दिया। पुलिस मौके पहुंची, जहाँ पर पता चला गया उस औरत को लेकर ना हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में गए तो वो औरत मर चुकी थी, उसके साथ उसकी दौरानी थी प्रिया उर्फ रानी। उसने दरखास्त दी जिस पर कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कर दी। भरत है, कोई भरत है, इसका जेठ मरने वाली का जेठ। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।